नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल के पूरे 10 दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एवं बजट के बारे में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सबसे पहले शुद्ध हिंदी में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म टोटल धमाल के बारे में, तो टोटल धमाल को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने और इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं सुपरस्टार अजय देवगन और उनके साथ में है माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर। साथ ही साथ इस फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जोनी लीवर और संजय मिश्रा जी भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें हम फिल्म टोटल धमाल के बजट के बारे में, तो फिल्म का बजट है लगभग 95 करोड़ रुपये, वही 20 करोड़ रुपये इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन है, यानी कि फिल्म कम्प्लीट होती है 115 करोड़ रुपये में। वही दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 3,750 स्क्रीन में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आप पूरे हो चुके हैं 10 दिन। और दोस्तों अगर 10 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अपने 10 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बात करें डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे लगभग 17 करोड़ रुपये, दूसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 21 करोड़, तीसरे दिन कमाए थे फिल्म ने 25 करोड़, वही चौथे दिन फिल्म ने कमाए थे 10 करोड़, पाँचवें दिन फिल्म की कमाई रही थी लगभग 9 करोड़ और छठे दिन फिल्म ने कमाए 7 करोड़। वही दोस्तों सातवें दिन फिल्म ने कमाए थे 6 करोड़ और आठवें दिन फिर से फिल्म ने कमाए 6 करोड़। वही दोस्तों नौवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 7 करोड़, वही दसवें दिन फिल्म ने कमाए थे 8 करोड़। इसी के साथ दोस्तों जो टोटल धमाल का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 116 करोड़ रुपये। वही अगर बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो टोटल धमाल ने ओवरसीज में अभी तक लगभग 51 करोड़ यानी 51 करोड़ का कारोबार कर लिया है। तो दोस्तों इंडिया के होते हैं 116 करोड़, ओवरसीज के होते हैं 51 करोड़, यानी कि फिल्म का जो टोटल कलेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड वो हो चुका है 167 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों टोटल धमाल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस साबित हो चुकी है। वही दोस्तों अब बात करें फिल्म केसरी के बारे में, तो दोस्तों केसरी फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुराग सिंह ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर यानी धर्मा प्रोडक्शन हाउस ने। दोस्तों फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात करें, तो फिल्म में नज़र आ रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार खिलाड़ी अक्षय कुमार और उनके साथ में नज़र आ रही है परिणीति चोपड़ा। दोस्तों अगर दोस्तों बात करें केसरी के बजट के बारे में, तो केसरी का बजट बताया जा रहा है लगभग 100 करोड़ रुपये। वही दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया जाना है लगभग 4,500 में। दोस्तों फिल्म रिलीज होने वाली है 21 मार्च यानी होली के मौके पे। दोस्तों बात करें हम केसरी के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों केसरी के जब पहले पोस्टर आए थे, जब पोस्टर देख के ही लग रहा था कि ये फिल्म कुछ नया कमाल करने वाली थी। उसके बाद दोस्तों केसरी के ग्लिम्पस ऑफ केसरी आए जो कि 10 सेकंड के थे, वो भी काफ़ी शानदार थे और पब्लिक ने उन्हें भी काफ़ी पसंद किया। लेकिन दोस्तों जैसे ही केसरी का ट्रेलर रिलीज हुआ, केसरी के ट्रेलर ने केसरी का बज एक अलग लेवल पर ले जाके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, केसरी का ट्रेलर 96% लोगों ने पसंद किया है, वही 4% लोगों ने इसे यूट्यूब पे डिसलाइक किया है। लेकिन दोस्तों देखे जाए तो यह अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाना वाला ट्रेलर है, पहले नंबर पर आती है गली बॉय। अब दोस्तों बात करें हम ट्रेलर की, तो ट्रेलर इतना ज्यादा खतरनाक था, उसे लेकर फिल्म का बस तो क्रिएट हो गया और ट्रेलर ने 1 मिलियन लाइक्स भी यूट्यूब पर हासिल कर लिए। तो दोस्तों इसी बात से आइडिया लगाया जा सकता है कि फिल्म केसरी बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी, क्योंकि जो फिल्म का ट्रेलर है वो सुपरहिट हो चुका है, फिल्म का एक सॉन्ग आया वो भी ठीक ठाक है, यानी कि फिल्म का बस कंप्लीट अच्छा बना हुआ है। और ऊपर से दोस्तों फिल्म रिलीज हो रही है होली के मौके, यानी कि होलीडे रिलीज है, तो दोस्तों फिल्म को जो फायदा मिलना है वो चारों तरफ से है, क्योंकि फिल्म में इतने बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार जो कि अपने सेफ जोन जिसे एक्शन कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों अक्षय कुमार अपने सेफ जोन एक्शन फिल्मों में वापस आ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं केसरी के लिए सबसे बड़ा फायदा माना जा सकता है। अब दोस्तों फिल्म रिलीज होगी जहाँ 4,500 स्क्रीन में और फिल्म में इतने सब प्लस पॉइंट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म होली के दिन यानी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 28 से 30 करोड़ की ओपनिंग बड़ी आसानी से ले लेगी। वही ये फिल्म अपने वीकेंड में कम से कम 100 करोड़ का कारोबार कर सकती है। वही दोस्तों ये फिल्म अपने पहले हफ्ते में कम से कम 150 करोड़ तक की कमाई कर जाएगी। वही अगर बात करें फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन की, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही कि केसरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 200 से 250 करोड़ तक की कमाई कर सकती है। वैसे
दोस्तों, आपको क्या लगता है केसरी बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमाने में कामयाब होगी? 200 करोड़, 250 करोड़ या 300 करोड़ रुपए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई न्यूज़ के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।